हेलो फ्रेंड्स, आज योग के माध्यम से हम आप लोगों को सब जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान रखिए और वीडियो को बने रहिए। कुछ पुरानी मूर्तियों के माध्यम से आपको बताने जा रहा है, दर्शाया गया है किस प्रकार से योग होती थी। इसको योग सत्कर्मा बोलते हैं। आप देख सकते हैं सूत्र नीति कैसे करते हैं, पहले के हमारे ये ऋषि मुनियों का सब किया हुआ चीजें हैं। अब इसके बारे में भ्राता श्री बताएंगे। ये सूत्र नीति है। सूत्र नीति का मतलब होता है कि आप एक धागे को एक नाक में प्रवेश करके दूसरे नाक से निकाल, मुंह से निकाल करके उसको एक ऐसे ऐसे, यानी आपको आगे पीछे करना, जिससे कि किसी भी प्रकार का आपको श्वसन तंत्र की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो उसे आप दूर कर सकते हैं। यह है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती इसमें लगभग 22 फीट की धोती होती है, 4 इंच 4 अंगुल का चौड़ाई में, और पूरे धोती को निगल जाते हैं और निगल करके पुनः बाहर कर देते हैं। पेट यानी स्टोमक का जितना भी कचरा है, आपका पित्त हो या अन्य किसी भी प्रकार का दूषित पदार्थ हो, उसके भीतर में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो आपका धोती के सहारे बाहर आ जाता है। ऐसे होते थे एकदम, बिल्कुल ऐसा अभी भी होता है सत्कर्मा में। और ये है वमन धोती। वमन धोती, वमन धोती का मतलब होता है कि आप एक बार में जितना पानी पी लेते हैं, यानी 4 गिलास 5 गिलास 10 गिलास तक, उसको अपने मुँह से फिर पुनः बाहर कर देते हैं। अच्छा। और ये है जल नीति। जल नीति यानी हम दाएं नाक में एक जल नीति, एक पॉट होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि बर्तन होता है, तो दाएं नाक में जैसे पानी को डाले और फिर बाएं नाक से बाहर करते हैं, फिर बाएं नाक में डालते हैं और दाएं से बाहर करते हैं। ये सब योग क्रिया है क्या? जी जी, देखा ये वमन ध्वनि। वमन ध्वनि वही जो क्रिया आपने वहाँ देखा है, उसी प्रकार की ये क्रिया है। सेम नौली, ये योगासन नौली, ये नौली एक क्रिया होता है षटकर्म में, है ना। पेट को पूरे, जो आप देख पा रहे थे, जो मेरा वीडियो और महाराज जी की वीडियो देखते हैं, पेट को पूरे ऐसे, पूज्य स्वामी रामदेव जी का भी वीडियो में आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखिए आपको तो महसूस होगा, पूरे पेट को ऐसे घुमा देता है, उसको नौली बोलते हैं। ये ध्यान किस प्रकार से हम, जी विपरीत करनो, सारे व्यायाम जो है योग के दिए गए हैं। हाँ, प्राणायाम। इसके विषय में कुछ बताएं? हाँ बिल्कुल। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, सांस को हम भीतर खींचते हैं और पुनः बाहर छोड़ देते हैं, होल्ड कर देते हैं, और मल द्वार को ऊपर खींचते हैं और पूरे पेट को अंदर खींच करके पीठ की ओर ले जाते हैं, और ठुड्डी को बक्ष में सटाते हैं, और फिर बंद को लगाते हैं, इसे हम मूल बंद भी कहते हैं। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं। ये योग, ये इस गुफा के अंदर में योग क्रिया को दर्शाया गया है किस प्रकार से योग होती थी। इसको योग सत्कर्मा बोलते हैं। आप देख सकते हैं सूत्र नीति कैसे करते हैं, पहले के हमारे ये ऋषि मुनियों का सब किया हुआ चीजें हैं। अब इसके बारे में भ्राता श्री बताएंगे। ये सूत्र नीति है। सूत्र नीति का मतलब होता है कि आप एक धागे को एक नाक में प्रवेश करके दूसरे नाक से निकाल, मुंह से निकाल करके उसको एक ऐसे ऐसे, यानी आपको आगे पीछे करना, जिससे कि किसी भी प्रकार का आपको श्वसन तंत्र की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो उसे आप दूर कर सकते हैं। यह है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती इसमें लगभग 22 फीट की धोती होती है, 4 इंच 4 अंगुल का चौड़ाई में, और पूरे धोती को निगल जाते हैं और निगल करके पुनः बाहर कर देते हैं। पेट यानी स्टोमक का जितना भी कचरा है, आपका पित्त हो या अन्य किसी भी प्रकार का दूषित पदार्थ हो, उसके भीतर में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो आपका धोती के सहारे बाहर आ जाता है। ऐसे होते थे एकदम, बिल्कुल ऐसा अभी भी होता है सत्कर्मा में। और ये है वमन धोती। वमन धोती, वमन धोती का मतलब होता है कि आप एक बार में जितना पानी पी लेते हैं, यानी 4 गिलास 5 गिलास 10 गिलास तक, उसको अपने मुंह से फिर पुनः बाहर कर देते हैं। अच्छा। और ये है जल नीति। जल नीति यानी हम दाएं नाक में एक जल नीति, एक पॉट होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि बर्तन होता है, तो दाएं नाक में जैसे पानी को डाले और फिर बाएं नाक से बाहर करते हैं, फिर बाएं नाक में डालते हैं और दाएं से बाहर करते हैं। ये सब योग क्रिया है क्या? जी जी, देखा ये वमन ध्वनि। वमन ध्वनि वही जो क्रिया आपने वहाँ देखा है, उसी प्रकार की ये क्रिया है। सेम नौली, ये योगासन। नौली, ये नौली एक क्रिया होता है षटकर्म में, है ना। पेट को पूरे, जो आप देख पा रहे थे, जो मेरा वीडियो और महाराज जी की वीडियो देखते हैं, पेट को पूरे ऐसे, पूज्य स्वामी रामदेव जी का भी वीडियो में आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखिए आपको तो महसूस होगा, पूरे पेट को ऐसे घुमा देता है, उसको नौली बोलते हैं।
ये ध्यान किस प्रकार से हम जी ये आपको विपरीत करना, ये सारे व्यायाम जो है इधर योग के दिए गए हैं। हाँ, प्राणायाम। इसके विषय में कुछ बताएं? हाँ, बिल्कुल। प्राणायाम और मल द्वार को ऊपर खींचते हैं और पूरे पेट को अंदर खींच करके पीठ की ओर ले जाते हैं और ठुड्डी को बक्ष में सटाते हैं और फिर बंद को लगाते हैं। इसे हम आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय।